गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HP के स्टोव वाल और कंट्रोल वाल। आज आप इन्हों से दिखाते हैं। तो ये आप जो नीचे लाइन देख रहे हो, ये अभी ये देखिए, ये है मेन स्टीम लाइन। मेन स्टीम की लाइन है इनलेट, इसमें सबसे पहले लगा हुआ होता है स्टोव वाल। स्टोव वाल कहाँ लगता है ये देखिए, इसके अंदर स्टोव वाल लगा हुआ होता है। इधर आगे करो, हाँ ये देखो, इसमें ये नीचे से यहाँ से स्टीम आ गई और उधर आगे जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये इसकी वाल बॉडी होती है, वाल सीट होती है। यहाँ पे आपका स्टोव वाल, इसको क्लोज करता है तो यहाँ पे बंद हो जाता है, तो ये स्टीम को इधर ही इस डायरेक्शन में यहाँ पे नीचे ही क्लोज कर देगा। उसके बाद स्टोव वाल ओपन होने के बाद आता है जो कंट्रोल वाल मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये हमारा है कंट्रोल वाल की बॉडी। अभी इसके अंदर जो होता है वो हम निकाल चुके हैं, वो भी अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी तो ये सिर्फ वाल बॉडी दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप इस साइड से उधर दिखाऊँ ना, इस साइड से आपकी स्टीम आई इस डायरेक्शन से, और लाइट एक मिनट रहने तो कोई दिक्कत, और आपका जो आगे ये जो देख रहे हैं ये इसकी वाल सीट है। यहाँ पे आपका क्लोज रहता है तब तो ये बिल्कुल स्टीम को यहाँ तक ही रोक के रखता है, और जब स्टोव कंट्रोल वाल ओपन करते हैं तो आगे स्टीम फ्लो होती है। अब इसमें एक आपको ये होल दिख रहा है, ये जो नीचे ये इसका ड्रेन है, जो ML 11 है, ये 11 इस वाल के लिए है, और सेम जो राइट साइड में है उसके लिए ML 12 होता है। ये लेफ्ट साइड का है वो सेम वैसे उधर राइट साइड में है। ये इनलेट हुआ, फिर उसके बाद स्टोव वाल, और उसके बाद कंट्रोल वाल, और उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है HP मॉड्यूल में। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर जो लगा हुआ होता है वो कैसे क्या क्या होता है। इसके जो स्टेम होता है वाल स्टेम और सर्वो मोटर वो देखते हैं। चलिए आ जाओ, बनाओ से दिखाते हैं। तो अभी हम HP वाले देखेंगे, HP के देखेंगे, IP के का नया वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए, इसमें ये स्टोव वाल का बॉडी है, वाल बॉडी बोलते हैं क्या इसको, हाँ स्लीव मान लो। ये स्टोव वाल की है, एक स्टोव वाल की है, एक ये है, और ये वाले जो देख रहे हो आप ये कंट्रोल वाल की है, HP कंट्रोल वाल की। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देखिए इसका, इसमें देखो ये कंट्रोल वाल का है, इसके अंदर ये एक बुश बोल सकते हैं आप, इसके अंदर ट्रेवल करता है आपका स्पेंडल। ये अपन अगर इसमें क्रैक वगैरह होते हैं, अभी इसका जैसे DPT की हुई है, मैं आपको DPT का भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें DPT देखते हैं DPT होती क्या है। तो इसके अंदर ट्रेवल करता है, इसके अंदर क्या ट्रेवल करता है, ये इसका रहा बुस, ये कंट्रोल वाल वाले, हाँ तो ये हमारे है, ये स्टोव वाल का जो स्पिंडल, ये तो ऊपर जो स्पिंडल हो गया, और आगे इसका कौन बोल सकते हैं, ये कौन है, ये देखिए ये वाला, ये पूरा का पूरा HP स्टोव वाल 1 का है। ये पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे जो आप पहले अभी बॉडी देखी थी उसमें जाके सेट होती है, तो ये क्लोज हो जाता है, और ओपन होती है तो ये पीछे आ जाता है, ये पीछे आता है तब वो वाल ओपन हो जाता है। ये इसका ओपनिंग का भी है, इसमें कुछ क्लियरेंस छोड़ा जाता है। उसके बाद देखते हैं इसमें, उसी में इसको पूरी इस बॉडी को लॉक करने के लिए ये एक चकनट यूज़ होती है, क्योंकि हैवी प्रेशर होता है कि कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो जाए या लूज़ नहीं हो जाए, उसके लिए ये हैवी चकनट है, इनसे इसको लॉक किया जाता है। और इसके अंदर भी बुश वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसमें ये ईजिली ये आपका जैसे आप ये देखिए, ये भी एक बुश है, इसमें आपका स्पिंडल आराम से इजीली फ्री ट्रेवल करता रहता है, जाम और नहीं होना।
जाम नहीं होता। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसको ये तो देख लिया वाल की बॉडी वाल में कैसे फंक्शन करता है, अब हम देखते हैं इसके इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ओपन क्लोज होता कैसे है। तो ये जो देख रहे हो ये ओपन है, ये दोनों ओपन कर चुका है। ये स्टोव वाल की सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्टोव वाल की सर्वो मोटर और कंट्रोल वाल की। तो ये इंटरनल पार्ट्स हैं इसके सर्वो मोटर के, अभी इसमें एक वीडियो बनाएंगे उसमें देखते हैं। बाकी ये देखिए, ये इसके कंट्रोल वाल के ये सर्वो मोटर्स हैं, ये कंट्रोल वाल की सर्वो मोटर हैं, इनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सर्वो मोटर कवर करेंगे पूरी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था HP कंट्रोल वाल और स्टॉप वाल, एक IP का भी बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। IP के भी बनाएंगे, बाद में बनाते हैं अभी। ओके, थैंक यू।